स्वागत है आपका मेरे चैनल डिस्कवर होम में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं हरी मिर्च फ्राई। तो फ्रेंड्स, जो आपके हर खाने को बना देगी टेस्टी और चटपटा। तो इंस्टेंट हरी मिर्च फ्राई कैसे बना सकते हैं, तो फ्रेंड्स आज इसमें यही हम सीखेंगे। तो देखते हैं इसको बनाना कैसे है। यदि फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं इसको बनाना कैसे है। आज हम बनाने जा रहे हैं हरी मिर्च फ्राई। तो फ्रेंड, इंस्टेंटली हरी मिर्च फ्राई आप कैसे घर में तैयार कर सकते हो, तो फ्रेंड्स इसको बनाने का तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसके लिए आपको किस किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। और बहुत ही जल्दी ये बनकर तैयार हो जाती है फ्रेंड्स, भटूरे के साथ और फ्रेंड्स और भी चीज़ों के साथ ये सर्व की जाती है। दाल चावल के साथ सर्व की जाती है, आलू पराठे के साथ आप इसको खा सकते हो फ्रेंड्स। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसको बनाना कैसे है। हाँ तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमने ऑयल गरम कर लिया है थोड़ा सा, और हमें ले लेनी है 10 से 15 हरी मिर्चें। तो हमने यहाँ ऑयल गरम किया हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ हम सबसे पहले हींग डालेंगे, इस तरह से थोड़ी सी हींग डाल ली है हमने। और इसके साथ ही हमने ज़ीरे को थोड़ा क्रश करके कूट करके ले लिया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो, मैं ही कैमरा पकड़ रही हूँ तो इसलिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो सकता है, अदरवाइज़ मैं ध्यान रखूँगी इस सब चीज़ों का। और फ्रेंड्स ये डालने के बाद आपको डाल देनी है इस तरह से 10 से 15 हरी मिर्चें जो कि बीच में से चिरी हुई हैं। इनको हल्का सा फ्राई करेंगे इस तरह से। और उसके बाद हमें जो जो भी चीज़ें इसमें डालनी हैं वो मैं आपको बताती हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले इसमें डालना होगा इसके अकॉर्डिंग नमक। तो हम यहाँ 1 चम्मच के करीब नमक इसमें ऐड कर रहे हैं। और उसके साथ ही फ्रेंड्स हमको इसमें डालना है धनिया पाउडर। तो धनिया पाउडर हम यहाँ ऐड कर रहे हैं इसमें, इसको चलाते रहेंगे बीच बीच में थोड़ा सा। और इसके साथ ही फ्रेंड्स हमें इसमें ऐड करना है थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून। बहुत कम डालना है ये, क्योंकि हरी मिर्च तो वैसे ही तीखी होती है और ये ऑप्शनल भी है। यदि आपको ज़्यादा तीखा खाना है तो आप डालें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही फ्रेंड्स आपको ले लेनी है ये 1/2 टीस्पून के करीब हल्दी। तो आप इसमें हल्दी को ऐड कर लीजिए। और इसके साथ ही फ्रेंड्स आपको ऐड करना है इसमें चाट मसाला। तो यहाँ हम चाट मसाला ऐड कर रहे हैं। और इसके साथ ही हमें अमचूर ऐड करना है फ्रेंड्स इसमें। तो थोड़ा सा हम यहाँ अमचूर इसमें डालेंगे इस तरह से, और इसको मिक्स कर लेंगे। और इसके साथ ही फ्रेंड्स हमें डाल लेना है इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला डाल लेंगे इस तरह से। और फ्रेंड्स इसको हमें बहुत ही ज़्यादा लो फ्लेम पे पकाना है, क्योंकि हाई फ्लेम करेंगे हम तो ये हमारी जो मिर्चें हैं वो अच्छे से पकेंगी नहीं और नीचे से जलने लगेंगी। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हमें इसको लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक के लिए पकाना है इस तरह से। तो बहुत ही जल्दी इंस्टेंटली बन के तैयार हो जाती हैं हरी मिर्च फ्राई। तो फ्रेंड्स आप इसको किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती हैं, यमी होती हैं। और फ्रेंड्स आप इसको 1 हफ्ते के लिए स्टोर भी कर सकते हो, आप बना लीजिए इसको और फ्रीज में रख दीजिए और जब भी आपको खानी हो तो आप इसको खाइए फ्रेंड्स। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं ये, बहुत ही ज़्यादा यमी है फ्रेंड्स। So try this amazingly chatpati hari mirch fry for your family, friends and your loved ones. Bring a smile
Bring a chatpati smile. I just say, have a lovely day. Take care. Bye-bye.